धूमधाम से पूरे प्रदेश में हम लोग एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं पूरे प्रदेश में जी। तो यहाँ पर भी नेताजी के जन्म दिवस पर सैफई में दंगल, पहलवानों का दंगल लगेगा। तो मेन तो यह है, तो इसलिए बुलाया और आप लोगों से भेंट कर लें, बहुत दिन से भेंट नहीं हुई जी। तो इस बहाने आज हमने आप सब लोगों को कष्ट दिया है। तो नेताजी का जन्मदिन हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पूरे प्रदेश में हर ज़िले में मनाने जा रही है एकता दिवस के रूप में। तो यहाँ का मुख्य प्रोग्राम सैफई में होगा, सैफई में दंगल। कौन से स्टेडियम में होगा? चंदगी राम स्टेडियम में 11। जन्मदिन में नेताजी रहेंगे? नेताजी तो शायद नहीं रह पाएंगे, बता लोकसभा भी चल रही है, थोड़ा सा तबीयत से अभी बहुत ठीक नहीं है, इसलिए अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पिछले साल से शुरू कर दिया था, पिछले साल भी हुआ था दंगल, और इस वर्ष भी होना है। कहाँ कहाँ से टीमें आएंगी दंगल के लिए? अब सभी को निमंत्रण है, पूरे प्रदेश के पहलवानों को निमंत्रण है, जो आ जाए। और वैसे तो यहाँ सैफई के स्टेडियम में जब भी दंगल लगता है तो पूरे देश के पहलवान आ जाते हैं। जीतने वाले को क्या है? अब वो तो कमेटी वहीं तय करेगी। तो कुछ नहीं होता है जब तक विकास नहीं होगा, जब तक देश में फैली हुई बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी, जब तक भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। और इस समय तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है। आज ही दो दिन की घटनाएं आप देख लीजिए, लाइन आर्डर के गोरखपुर में एक हत्या हो गई है। जौनपुर में दो दिन पूर्व एक्सिस बैंक में लूट हुई। सरकार को कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। तो कानून व्यवस्था तो ध्वस्त है ही। दूसरा, गोरखपुर में बेलीपार थाना में पेट्रोल पंप के मैनेजमेंट को गोली मारकर 11 लाख की लूट हो गई। अमेठी के थाना क्षेत्र मुंशीगंज में फ्रेंचाइजी 10 लाख रुपए की लूट हो गई। तो ये तो घटनाएं हैं, देखिए लूट मची। और ये जहां तक भ्रष्टाचार का नारा दिया था कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म। मुझे तो लग रहा है पहले हम लोग सोचते थे, हम लोगों ने कहा था कि 5%, फिर 10% बढ़ा, अब तो मुझे लग रहा है कि 100% थानों में, तहसीलों में, किसी भी कार्यालय में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये बिजली विभाग वाला जो मामला है, इस पे प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि वो सरकार को दोषी बनाया, तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, जो पावर कॉर्पोरेशन का जो कर्मचारियों का भविष्य निधि GPF और अंशदायी भविष्य निधि CPF के 2267.90 करोड़ जो फंस गया है, इसे जांच कराएं। और कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनका तो सही है कि भविष्य निधि जो है सरकार तुरंत सुनिश्चित करे, हैं, और कार्रवाई तो जो कर रही है करे, तेज़ी से कार्रवाई करे, और जो पैसा है उनको सुनिश्चित करे, पैसा जो है कर्मचारियों का पैसा। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि सपा के टाइम पर ये घोटाला हुआ 41 करोड़ का EPF का, अब उसकी जांच करें ना, उसकी जांच करें कब हुआ कब नहीं हुआ है। लेकिन पैसा तो जब योगी सरकार आ गई है, 19 तारीख को सफर ली और ये निकाला गया पैसा 24 तारीख को, तो उसकी जांच करें।
और पैसे को जो कर्मचारियों का पैसा है सुनिश्चित करना चाहिए, उनको सुरक्षित करना चाहिए पैसे को, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिस तरह से राम मंदिर का निर्णय आने के बाद सुन्नी बोर्ड और ये ओबीसी कह रहे हैं कि हमें मंदिर, हमें जगह दोबारा चाहिए अपनी, और हमें खैरात नहीं चाहिए, हम दोबारा से पुनर्याचिका डलवा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये दोबारा होना कितना उचित है? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि हम लोग पहले ही से कहते रहे थे या तो आपसी सहमति से मामले को निपटा लिया जाए, तो आपसी सहमति से तो निपटाया नहीं गया। कोर्ट ने फिर 5 जजों की बेंच बैठी है और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत, तो फिर उसके जब सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला दे दिया है उसे मान कर लेना चाहिए, जिससे शांति सद्भाव, और फिर अब ध्यान देना चाहिए देश और प्रदेश के विकास में। इस समय जो हालत है आप देख ही रहे हो, न तो विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। इस समय सभी देखिए, जो आर्थिक मंदी आई है, जब से नोटबंदी हुई थी, फिर GST लागू हुआ, तब से देखिए पूरे देश में जो आर्थिक मंदी का दौर से पूरा देश गुजर रहा है, तो उसकी वजह से सभी उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं और सभी देखिए व्यापार ख़त्म हो रहा है, सभी लोग परेशान हैं। इधर देखिए किसान इतना परेशान है का देखिए, उनकी अभी फसल का जो समर्थन मूल्य है धान का 1800 कुछ है, और बाज़ार में मिल रहा है किसानों को 1100 1000 1200 से ज़्यादा नहीं मिल रहा धान का मूल्य, तो किसान तो वैसे ही परेशान है। और दूसरा जो देखिए, अभी एक मामला चल रहा है किसानों के साथ कानपुर में, उन्नाव में जो किसानों के साथ वहाँ पुलिस ने भी हाँ हाँ तो जो चल रहा है जी। वैसे ये योजना तो शुरू हुई थी नेताजी के समय में जी, नेताजी के समय में ये योजना शुरू हुई थी।